हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फिक्सेटिव के बारे में, और फिक्सेटिव में हमने ये देखा था जो क्लासिफिकेशन है उसका फिक्सेटिव के बारे में पूरा जानकारी लिया। ठीक है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितना डिटेल से हमने देखा वो पूरा हमने लेक्चर में कंप्लीट किया। ठीक है, तो उसी का कंटिन्यू ये भी लेक्चर है कि हमने प्रीवियस में माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के बारे में पूरा लोड शब्द जानकारी ले लिया था। सेकंड और थर्ड बचा था यहाँ पर साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, और कह सकते हैं कि हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव देख लेते हैं कि मतलब कि साइटोलॉजी में किस टाइप कौन कौन से फिक्सेटिव यूज किया जाता है। देन यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव भी इसी वीडियो में कंप्लीट करके देख लेंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह क्या रहा कि जो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव होता है, कह सकते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ द इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, ये पॉइंट का हमेशा याद रखिएगा। और साथ में इंक्लूजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंक्लूजन जो बॉडीज होती है सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है उनको, और कह सकते हैं कि जो इंट्रा सेलुलर मतलब कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए, एक नेचुरल स्टेट में बना रखने के लिए जिस टाइप का फिक्सेटिव यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। क्लियर, अब साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव को यहाँ पर फर्दर जो होता है दो पार्ट में क्लासिफाइड करके बताया गया है। एक तो यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिक्सेटिव होता है, और सेकंड यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव होता है। एज वी ऑल नो, प्रीवियस लेक्चर में हमने यही देखा, जो न्यूक्लियर फिक्सेटिव होता है उसके अंतर्गत, ठीक है, न्यूक्लियर फिक्सेटिव के अंतर्गत कैरनोजी फ्लूड को रखा गया है, ठीक है, क्लर्क फ्लूड को रखा गया है, न्यू कॉमर्स फ्लूड को रखा गया है, और नेक्स्ट यहाँ पर है फ्लेमिंग फ्लूड्स है, और भी बहुत सारे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको देख लिया था। क्लियर, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव के अंतर्गत है चैम्पेंजी फ्लूड्स होता है और रिगार्ड फ्लूड होता है, ठीक है ना, रिगार्ड्स ये सभी फिक्सेटिव होती हैं। और ये सभी फिक्सेटिव कहीं ना कहीं अपना एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए, एंड एज वेल एज इंक्लूजन बॉडीज के। क्लियर, इन सभी को चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्लियर, न्यूक्लियर जो फिक्सेटिव होता है, न्यूक्लियर फिक्सेटिव के अंतर्गत जो फर्स्ट फिक्सेटिव है जिसको कैरनोजी फ्लूड्स बोला गया है, ठीक है, तो कैरनोजी फ्लूड्स का क्या कंपोजिशन है ये चीज को समझिए कि आपके पास क्या रहेगा, एक बीकर रहेगा, ठीक है ना, बीकर रहे या कि कॉनिकल फ्लास्क रहे या कि मेजरिंग सिलेंडर रहे। अब ये मेजरिंग सिलेंडर आपके पास रहेगा, आपको प्रिपेयर करना, ये चीज को समझिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल 60 ml ले लेंगे इसमें, ठीक है, देन इसके बाद क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म को 30 ml इस बीकर में ले लेंगे, एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहेगा तो उसको 10 ml। अब इन सभी को आपको मिक्स करना है, और मिक्स करके 100 ml जो रहता है मेकअप करके तैयार कर लेना है। क्लियर, अब जब आपके पास ये कैरनोजी फ्लूड 100 ml में तैयार हो जाएगा तब इसका यूज भी होगा, किसके किसके लिए यूज किया जाता है ये चीज को समझिए कि निजल सबस्टांस, ठीक है, ये एक तरह का सबस्टांस होता है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, तो निजल सबस्टांस को प्रिजर्व करने के लिए, ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है एज वेल एज जो मसल्स टिश्यू में स्टोरेज होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, साथ में कार्बोहाइड्रेट को भी प्रिजर्व करने के लिए इस तरह का फिक्सेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज ये बता रहा है कि कंसिडरेबल द सिंक्रेज, मतलब कि कुछ टिश्यू या कि सेल्स को क्या कर देता है, श्रिंकेज मतलब कि सिकुड़ देता है, डिस्ट्रॉय या कि डिसॉल्व द मोस्ट जो साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स, मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या कर देता है, ये तो डिस्ट्रॉय करेगा या कि डिसॉल्व कर देगा, ये इसकी क्या है खासियत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सिर्फ सेल्स चाहिए, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है। फिक्सेशन यूजली इसकी 12 आवर में कंप्लीट हो जाती है, यदि टिश्यू जो होता है तो 23 mm थिकनेस का है, ठीक है, स्मॉल 23 थिकनेस का है, तो उस कंडीशन में आपको 15 मिनट टाइम लग सकता है, ठीक है, कैरनोजी फ्लूड में इसको प्रिजर्व करने के लिए। ये आप इसका यूजेज जरूर याद करके रखिए, क्योंकि यूजेज से ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्लियर, आगे देखिए यहाँ पर क्लर्क्स फ्लूड, क्लर्क्स जो फ्लूड होता है इसको भी उसी टाइप का प्रिपेयर करना है आपको कि एब्सोल्यूट एल्कोहल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एब्सोल्यूट एल्कोहल
पास 75 ml होना चाहिए और 25 ml में ग्लेसियल एसिटिक एसिड। इन दोनों को मिक्स करके आप प्रिपेयर करिए और इसका यूज न्यूक्लियर फिक्सेटिव के लिए तो होगा ही, एज वेल एज जो साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स होते हैं उसको भी फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो पिनिट्रेशन पावर होती है कह सकते हैं कि रैपिडली होती है, रैपिड ये पिनिट्रेश होने का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है न्यू कॉमर्स फ्रूट। न्यू कॉमर्स फ्रूट को भी आपको एज ए प्रिपेयर करना है, इस तरीके से आप क्लास फूड के प्रिपेयर किए हैं कि एक आपके पास मेजरिंग सिलेंडर हो और मेजरिंग सिलेंडर में पहले फर्स्ट पहले आपको आइसोप्रोपेनॉल 60 ml, प्रोपियोनिक एसिड 40 ml, पेट्रोलियम ईथर को 10 ml, एसीटोन को 10 ml और डाई ओजेन को 10 ml, ये सभी को आप एक बीकर में लीजिए, एक मेजरिंग सिलेंडर में लीजिए और प्रिपेयर करके तैयार कर लीजिए। क्लियर, इसका यूजेस किसके लिए किया जाता है ये चीज को समझिए कि ये पिनिट्रेट द रैपिडली एंड प्रिजर्व द क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल को अगर देखना है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बेटर देन द कैरनोजी फ्रूट। कैरनोजी फ्रूट की अपेक्षा में क्रोमैटिन को अच्छा ये प्रिपेयर करके रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। साथ ही साथ ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होती है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है, उसको भी प्रिजर्व करना है तो आप न्यू कॉमर्स फ्रूट यूज करिए, उसमें ये बेहतरीन तरीके से या कि कह सकते हैं कि बेल तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। क्लियर, तो इसका आप स्पेसिफिक फीचर्स या कि यूजेज जरूर याद करके रखिए और साथ में इसकी कंपोजिशन को, नाम तो जरूर याद करके रखना है आपको कि साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव के अंतर्गत कौन कौन से हैं, और भी आगे डिटेल से समझिए इसमें क्या कह रहा है। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव के अंतर्गत है चिम्पैंजी फ्रूट्स है। ठीक है, चिम्पैंजी फ्रूट्स जो होता है तो इसको अगर प्रिपेयर करना है तो आपके पास 2 ग्राम पर डेसीलीटर पोटेशियम डाइक्रोमेट होना चाहिए, मतलब कि वो कैसा होना चाहिए पाउडर फॉर्म में 2 ग्राम पर डेसीलीटर के कंसंट्रेशन में होना चाहिए, जिसमें से आपको 7 ml ले लेना। ठीक है, 1% जो वैल्यूम पर वैल्यूम क्रोमिक एसिड है उसका 7 ml लेना है। ठीक है, देन इसके बाद 2 ग्राम पर डेसीलीटर ऑस्मोनियम टेट्राक्साइड है उसका 4 ml, इन सभी को लेकर के आपको एक मेजरिंग सिलेंडर में प्रिपेयर कर लेना है। अब जब प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आपका जो है मेंजिस फ्रूट्स तैयार हो जाएगा। क्लियर, इसका यूज किसके लिए किया जा रहा है कि अगर आपको तुरंत यूज करना है इसके लिए तो पहले आपको इमीडिएटली प्रिपेयर करना पड़ेगा और इमीडिएटली ही यूज करना पड़ेगा, ये इसका एक एडवांटेज कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। क्लियर, डिसएडवांटेज ही कहेंगे क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए प्रिपेयर करके रखना है या कि आपके पास हैवी वर्कलोड है उस सिचुएशन में आपको फिर ये सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डिसएडवांटेज है क्योंकि कोई भी रीजन अगर पहले से आप प्रिपेयर करके रख लेंगे वो बेटर रहेगा। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया फैट योक शेक लिपिड इन सभी के लिए गुड फिक्सेटिव माना जाता है जो चिम्पैंजी फ्रूट्स होता है। क्लियर, आगे समझिए यहाँ पर हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। ठीक है, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव का देख लेते हैं बैकग्राउंड, ये किसके लिए यूज किया जाता है। कह सकते हैं कि डिटरमाइन किए गए जो कंस्टिट्यूएंट है उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, साथ में टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, विजुलाइजेशन के प्रोसेस में यूज होने वाले जो रिएजेंट प्रभावित नहीं होने देते हैं उसके लिए भी यूज किया जाता है, और हिस्टोकेमिकल मेथड में क्रायोस्टेट कट सेक्शन, मतलब जो क्रायोस्टेट मशीन होती है फ्रोजन सेक्शन का यूज किया जाता है उसमें, उसके लिए हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव को प्रिफर किया जाता है। एज वेल एज फ्रीज ड्राइंग जो टेक्निक यूज की जा रही है उसके पर्पज के लिए भी हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, अब हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव के कितने टाइप्स हैं इसको भी थोड़ी सी हम डिटेल्स में देख लेते हैं। क्लियर, जो इसमें टेक्निक यूज की जा रही है, मतलब इसके टाइप्स यूज किए जा रहे हैं हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव में, तो फर्स्ट है बफर फार्मालिन। ठीक है ना, बफर फार्मालिन जो होता है इसको अगर प्रिपेयर करना है तो 2 चीज आपको लेना, एक बफर लेना है और एक फार्मालिन। तो फार्मालिन आप जो है आपके पास लिक्विड फॉर्म में तो उसका 10 ml ले लीजिए, और जो एसिड सोडियम फास्फेट मोनोहाइड्रेट है, ठीक है, ये एज अ बफर है, उसका आप 0.4 ग्राम एज अ पाउडर फॉर्म में रहता है उसको ले लीजिए। दोनों को मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद फिर आपको क्या करना है उसमें एसीटोन ऐड करना है। ठीक है, जो बफर फॉर्म सॉल्यूशन उसमें एसीटोन को
ऐड करिए और मिक्स करके आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करके रख दीजिए, ठीक है। अब इसका फर्दर फिर आप यूज कर सकते हैं हिस्टोकेमिकल जो कंस्टिट्यूएंट टिश्यू होती हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग में वेपर फिक्सेटिव। वेपर फिक्सेटिव भी ये कह सकती हैं कि वेरियस वेपर फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं इसमें हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंतर्गत, जिसमें से फर्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में जो पैरा फॉर्मल्डिहाइड हो है, उसको पहले आप 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करिए। हीट करके प्राप्त जो वेपर है, तो उस वेपर को आप यूज करिए एज अ फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में, ठीक है, वेपर फिक्सेटिव के रूप में। और इस फिक्सेटिव से टिश्यू के जो ब्लॉक को फिक्स करने में लगभग कह सकते हैं कि हाफ आवर लगता है, ठीक है ना, इतने टाइम लगता है इसके लिए। एसिटिल एल्डिहाइड जो होता है, एसिटिल एल्डिहाइड, इसका यूज भी इसी के लिए किया जाता है वेपर फिक्सेटिव के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर इसको प्रिपेयर करना है तो आप 80 डिग्री के टेम्परेचर में हीट करिए 1 से 4 घंटे के लिए, तब यहाँ पर वेपर जो डिस टाइप का प्राप्त होगा तो एज अ वेपर फिक्सेटिव के रूप में यूज करिए। क्लियर। ग्लूटराल्डिहाइड अगर यूज करना है तो आपको 50% वैल्यूम पर वैल्यूम एक्वस सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, किसका, ग्लूटराल्डिहाइड का। और इसको आप 80 डिग्री सेल्सियस में 2 मिनट के लिए हीट करिए, या कि जो होता है 4 आवर्स तक, ठीक है, मतलब कि 2 मिनट से लेकर के 4 घंटे, या कि 60 डिग्री सेल्सियस में अगर हीट करना है तो 7 आवर्स देना पड़ेगा। इतने में ये जो वेपर तैयार होगा, और जो वेपर तैयार होगा तो जब वेपर फिक्सेटिव में आप इसको भी यूज कर लीजिए। एक्रोलीन एंड क्रोमाइल क्लोराइड, ये भी एक तरह का वेपर फिक्सेटिव होता है जो कि लिक्विड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। इसका कैसे यूज किया जाता है, लिक्विड फॉर्म के रूप में 37 डिग्री सेल्सियस 1-2 आवर्स में आप इसको प्रिपेयर करके देख लेंगे और इसके के रूप में यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटिलडिहाइड है, ग्लूटराल्डिहाइड, ये सभी वेपर के रूप में यूज किया जाएगा, जबकि यहाँ पर एक्रोलीन और क्रोमाइल क्लोराइड होता है एज अ लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। पोस्ट क्रोमाटाइजेशन एक तरह के भी फिक्सेटिव होता है, इसका यूज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, यह हमेशा याद करके रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। और इस टेक्निक में किया क्या जाता है कि 3 ग्राम पर डेसिलीटर पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में टिश्यू को 6 to 8 आवर्स के लिए फिक्सेशन के रूप में रखा जाता है, देन रनिंग टैप वाटर से वॉश किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको फर्दर जो होता है प्रोसीड किया जाता है एज अ यूजेस के रूप में, क्लियर। तो ये चीज आप समझ के रखिए। तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडे लेक्चर।